सुदेशना प्रणाम। सुदेशना की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रेरणा का विषय चल रहा है। मनुष्य की मूल प्रकृति आध्यात्मिक है, इसके बावजूद प्रायः मनुष्य अपनी इस आध्यात्मिक प्रकृति की ओर सचेतन नहीं रहता। आत्मा सच्चित आनंद रूप है, यही वजह है कि मनुष्य के गहरे आध्यात्मिक स्तर पर परम सत्य की जिज्ञासा है, जिससे प्रेरित होकर मानव वैज्ञानिक अनुसंधान करता है और सत्य की अनवरत खोज में संलग्न है। ज्ञान रूपता में वह पूर्णता के दर्शन करना चाहता है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः मनुष्य सुख की खोज में सहज ही प्रवृत्त रहता है। मित्रों, सुदेशना मनुष्य की नैसर्गिक शक्तियों और उपकरणों को सजीव बनाने का प्रकल्प है। इससे यथार्थ ज्ञान आत्मसात होगा, नवीन सृष्टि होगी, मेधा पौरुष और रितंभरा प्रज्ञा का विकास होगा। सुदेशना की पाठशाला से अनवरत जुड़े रहने से मनुष्य में विपुल बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और अति मानवीय नैतिक शक्तियों का विकास ठीक वैसे ही होना सुनिश्चित है जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, प्राचीन दर्शन शास्त्रों में भारत के सर्वोत्कृष्ट काव्य, कला, शिल्प और स्थापत्य में कभी स्पंदित हुआ था। भारत के आत्मा आदर्शों और उन पद्धतियों को अधिक प्रभावशाली और आधुनिकतम संगठन के रूप में जीवंत करना सुदेशना का संकल्प है, जो भारतीयों को पुनश्च पूर्ववत विश्वगुरु के गरिमामय नागरिक की संज्ञा से विभूषित करेंगे। मित्रों, आज की सुदेशना की प्रेरणा विषयक पाठशाला में आपको श्री अरविंद का कालजयी संदेश सुनाते हैं। श्री अरविंद कहते हैं, मानव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक ऐसी चेतना विद्यमान है जिसमें वह अपने सीमित भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठ सकता है। यही विशेषता मनुष्य को पशु से भिन्न ठहराती है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य में एक ऐसा आध्यात्मिक तत्व विद्यमान है जो कि उसके भौतिक, प्राणिक और मानसिक पहलुओं से ऊंचा है। यह कारण शरीर है जो कि समस्त ज्ञान और आनंद का वाहक है। यही मनुष्य के भावी विकास का माध्यम भी है। श्री अरविंद की ये प्रेरणा आप ग्रहण करें। सुदेशना यही है कि अध्यात्म भारत की वह मौलिक संकल्पना है जो सामान्य पशुवत मनुष्य को पहले वास्तव में मनुष्य और फिर भगवत्ता के गौरी शंकर पर भी अधिष्ठित करने की सामर्थ्य से ओतप्रोत है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। सुदेशना 21वीं सदी के 21वें वर्ष में, जबकि भारत की तरुणाई आकुल है, व्याकुल है कुछ नवीन सृजन के लिए, तब सुदेशना की पाठशाला के रूप में निःसंदेह एक विचार क्रांति, एक युग क्रांति का तुमुल घोष हो चुका है। आप भी इसके सहभागी बनिए। स्वयं का पंजीयन करने के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए सुरेंद्र दुबे सुदेशना यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए। सुरेंद्र दुबे सुदेशना फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्रिय मित्रों को जोड़िए जिनके आप शुभचिंतक हैं। आप उनका भला चाहेंगे, वे आपके शुक्रगुजार होंगे, आपके प्रति कृतज्ञ होंगे, ग्रेटफुल होंगे, अहोभाव से भरेंगे, अनुग्रहित होंगे, क्योंकि आप उन्हें सच्चिदानंद के संसार की ओर लेकर आएंगे, सुदेशना की पाठशाला में लेकर आएंगे। तो अगली पाठशाला में पुनश्च हम प्रेरणा के विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। यह देह मंदिर जिसमें आत्मदेव विराजमान हैं, उससे परमात्म साक्षात्कार की ओर बढ़िए। इसी आह्वान और शुभकामना के साथ ओम आनंदम, सफलम भवतु, सुदेशना प्रणाम। कीजिए इंतजार, फिर आएंगे सुदेशना की पाठशाला में।